बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुलाकात के साथ खालिद मजीद हाजिर। और आज की मुलाकात एक समाजी कारकुन से, एक सियासी कारकुन से, एक ऐसे कारकुन से जिन्होंने अपने लिए एक ऐसी राह का तायुन कर लिया जिसमें फलाह हो, जिसमें इंसानियत की भलाई हो। राजा मोहम्मद हारून साहब, आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन के, और साथ ही साथ इंसानियत की भलाई के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारा मुस्तकबिल, हमारा बच्चा महफूज हो रहा है। VOH एक गैर सियासी तंजीम के चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। राय साहब, ये VOH क्या है? ये एक वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी है, आवाज़ इंसानियत। वाह, वेलफेयर रजिस्टर्ड तंजीम है इस्लामाबाद। अच्छा, इसके तहत आप एजुकेशन पे ज़्यादा काम करते हैं, हेल्थ पे करते हैं, या इसके अलावा और भी कोई उसके मकासद हैं? जी, इसमें सबसे पहले हमने जो इसका बेस रखा था, मैंने और मेरे साथ राजा कामरान आबिद वाइस चेयरमैन है जो वाइस ऑफ ह्यूमैनिटी के, अच्छा, हम दोनों ने मिलकर आज से 10 साल पहले इसकी बुनियाद रखी और एजुकेशन की बुनियाद रखी। अच्छा, हमारा जो फोकस था, जो चीज़ हम चाहते थे कि दाएं बाएं हमने देखा कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, ख़ास करके जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए हमारा माशरा कोई ऐसी जगह नहीं थी, उनके लिए हमारे माशरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी कि वो कोई उनको कोई प्रमोट करे या कोई वो मकाम हासिल कर सकें। तो हमने सोचा कि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, तो कुछ करके जाएँ। सही बात। तो मैंने, कामरान साहब ने 17 बच्चों से एक स्टार्ट लिया। अच्छा, और अलीपुर UC20 पंजग्राम में एक कैंपस बनाया। अच्छा, और उसमें वो बुनियाद रखी, वो फूल से वो नन्हे मुन्ने बच्चे, वो जो तलीम हासिल नहीं कर सकते थे, उनको लेके आए, उनके लिए किताबें, कापियाँ और पिक एंड ड्राप का एक सिस्टम किया, ताकि वो उस वक्त तक किसी और स्कूल में पढ़ रहे थे या कि आपने सेंटर अपना बना लिया? सेंटर बना लिया। अच्छा, बिल्कुल बेस से। अच्छा, नर्सरी प्रैप से शुरू की क्लास से। ठीक, तो वो फिर जब हमने बेस बनाया तो दिन ब दिन वह सिलसिला बढ़ता गया, और दूर जो इलाके थे, मसलन त्रामड़ी, खन्ना पुल, ये यहाँ तक, उधर से चरा चौक, तमैर, मुख्तलिफ जो हमारी यूसीज़ हैं, वहाँ तक लोगों को पता चला कि जी यहाँ पे एक ऐसा अदारा बना है कि जहाँ पे किताबें, यूनिफॉर्म, पिक एंड ड्रॉप फ्री दी जाती है। अच्छा, और ये सिलसिला बढ़ता गया। ठीक, और फिर हमने कोशिश की कि हम इसको मज़ीद बढ़ाएं। अच्छा, ताकि एक जो हेड कैंपस था, इसकी कामयाबी को देखते हुए हमने फिर देखा कि हमारा एक इलाका है पिंड मिस्त्रियाँ, अच्छा, गांव का इलाका है। अच्छा, दूसरा कैंपस हमने वहाँ पे बनाया, ताकि गांव के अंदर ही वहाँ बिल्डिंग बनाई, ताकि बच्चों के लिए आसानी पैदा हो। अब इस वक्त तक 17 बच्चे माशाल्लाह कितने बच्चों तक पहुँच चुके हैं? वो बच्चे तो मैट्रिक भी पास कर गए। नहीं नहीं, आज मकसद ये, आई मीन के तादाद में आपने कहना कैंपस बन गया। चार कैंपस मिलाएं तो 1270 बच्चा बन गया। अब कैंपस कितने हो गए? चार कैंपस। और चारों कैंपस कौन कौन सी जगह पे हैं? तो उसका फ़ायदा ये होगा, जब हम नाम लेंगे तो वहाँ पे जो ये प्रोग्राम देखने वाले लोग होंगे, कोई किसी को मैं बता सकता हूँ, किसी को कोई प्रोग्राम देखने वाला बता सकता है कि जी राजा हारून साहब के पास आप पहुँच जाएँ, उनकी फ़लाँ जगह पे जो कैंपस है उसमें इस बच्चे की तालीम हो सकती है। इसलिए मैं नाम पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से इलाके में कैंपस है। जी जी, पहला कैंपस जो है पंजग्राम में है, अलीपुर। अच्छा जी, और लतराड़ रोड के ऊपर। बिल्कुल ठीक। दूसरा कैंपस पिंड मिस्त्रियाँ में है, गाँव के अंदर है वो। अच्छा, और तीसरा कैंपस हमारा चिरा गाँव में है। अच्छा, और चिरा गाँव में UC9 में आता है। अच्छा, और चौथा कैंपस UC10 कृपा में आता है। अच्छा, कृपा में, कृपा गाँव में। ठीक है, तो असल में कोशिश ये की है कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं, जिनके वसायल नहीं हैं, मैंने, कामरान साहब ने, हमने कोशिश की है कि हम अपने हिस्से का काम करें। और आज बड़ी खुशी होती है कि जब हम उन कैंपस में जाते हैं और हमारे बच्चे 3 बैच हमारे मैट्रिक क्लास पास करके आगे निकल चुके हैं। सही, और 10 साल हो गए, तो 10 साल में जो बच्चे 17 थे वो तो मैट्रिक कर चुके हैं, आगे चले गए। और बड़ी खुशी होती है कि जो एक मिशन एक शुरू किया था, जो एक सोच अपनाई थी, उस पर इम्प्लीमेंट किया, और आज वो पौधे जो लगाए तो उनको देखते हैं बच्चों को, तो बड़ी खुशी होती है। बल्कि मैंने तो अपना जो मेरा ऑफिस है, पार्टी का ऑफिस है, सियासी ऑफिस है, वहाँ पर भी एक मैंने
बड़ी सारी एक पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की पिक्स लगाई हुई हैं। अच्छा। मैं रोज़ाना इनकी पिक्स भी वहाँ पे देखता हूँ और बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा काम लिया है मुझसे, मेरी तंजीम से, और ख़ास करके जो मेरे साथ मुंसलिक हैं, ख़ास करके मेरी जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और प्रोफेसर, जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जिन लोगों की वजह से हमारा अदारा आज दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि एक पढ़ा लिखा स्टाफ है मेरा और एक गवर्नर ऑफ बोर्ड के जरिए सिलेक्शन करते हैं हम। अच्छा। ताकि टीचर्स अगर पढ़ी लिखी होगी तो आगे नसल भी वो कहते हैं कि जी एक मर्द तो एक बच्चे को सिर्फ समझा सकता है, जबकि एक उस्ताद या एक खातून जो है वो एक नस्ल को संवारती है। इसी तरह तो राय साहब, ये जो सारा कुछ है निज़ाम, जब हम कुछ शुरू करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी जगहों पे हमने एप्लीकेशन देनी पड़ती हैं, बहुत सारी जगहों से ग्रांट की डिमांड करनी पड़ती है, हम डोनर ढूंढते हैं, तो आपके इन सब इदारों को चलाने के लिए डोनर जो हैं वो कौन है? मेरा डोनर एक मैं हूँ और एक कमरान साहब ने अल्लाह की ज़ात है। अच्छा। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाली है कि कभी हमें परेशानी नहीं देखी हम लोगों ने। अच्छा। और मैं अपील भी करता हूँ हक न्यूज़ के चैनल की तरफ से, आपके यहाँ प्रोग्राम के हवाले से भी मैं साबिस्ता लोगों को मैं अपील करता हूँ कि वो लोग आएँ, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का एक विज़िट ज़रूर करें, आके अच्छा। उन बच्चों से मिलें, उनसे पूछें कि बेटा आप किस तरह आए हो इस अदारे में, तो यकीन जाने के एक आपको खुशी भी होगी और वो एक तस्कीन जो उन बच्चों से मिलती है बंदे को। मैं जब कैंपस जाता हूं तो मैं उन बच्चों को अपने गले से लगाता हूं जब, तो मुझे बड़ी तस्कीन होती है, मेरे अंदर एक वो सुकून सा महसूस होता है। इसी तरह जब साइंस लैब में जाता हूं तो वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब अच्छा लेबोरेटरी बनाई है, जी लेबोरेटरी बनाई है करते हैं वहाँ पे, और जब कंप्यूटर लैब बनी हुई है और कंप्यूटर लैब तो पांचवी से शुरू हो जाती है, वो एजुकेशन का एक मियार दे रहे हैं। अच्छा। हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ये ना कहे कि ये आरफन बच्चे हैं और यहाँ पे वो एजुकेशन का मियार नहीं है। अच्छा। हम वो कोशिश की है हमने और एक बेहतरीन मियार और एक बेहतरीन नस्ल तैयार हो रही है वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी में, दाखिले के लिए यतीम बच्चों के लिए सिर्फ वालद का डेथ सर्टिफिकेट और बेफाम और वालदा की आई डी की कापी, ये तीन चीज़ें चाहिए और टेस्ट होगा और बच्चे को दाखिला मिल जाएगा, फिर उसको यूनिफॉर्म मिलेगी। अच्छा। किताबें मिलेंगी, पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, और ये सिलसिला चल रहा है इंशाल्लाह, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, और ज़्यादा इसी सूरत बढ़ेगा कि कुछ हमारे साथ कोई हेल्प करे, कोई मदद करे, ताकि हम इस सिलसिले को इस्लामाबाद की 16 UC हैं हमारे हल्के, ख़ास करके NA-52 में, मेरे ये सोच है कि ये 16 UC तक मैं इसको फैलाऊँ। अच्छा। ताकि जो यतीम बच्चे हैं, जिस तरह वो हमने बेस दे दिया है, वो अपने आप को यतीम ना समझे, और जो गरीब हैं, जो स्कूल से बाहर हैं, हम उनको स्कूल के अंदर लेके आए, क्योंकि राय साहब तालीम इखलाक किरदार सब चीज़ों के लिए बनाने में तालीम का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, किरदार होता है, उसका हक होता है, और किसी का तो मैं वादा नहीं करता, लेकिन मैं प्रोग्राम की वसात से और सब सुनने वालों के लिए ये ज़रूर सामने रखूँगा कि जी और कोई आए ना आए, मैं एक प्रोग्राम आपके इन इदारों में करने के लिए इंशाल्लाह किसी भी दिन टाई अप करके मैं ज़रूर आऊँगा। तो अच्छा, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि लोगों को अच्छाई लोगों की बताई जाए, और कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ मेरे रास्ते से अल्लाह पाक ने मेरे नज़रिए करानी हो। ऐसा ये जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, यकीनन इनके जहाँ पे आपने किताबों की बात की, जहाँ पे इनके यूनिफॉर्म की बात की, वहाँ इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी होते होंगे, उस हवाले से भी कुछ आपने सोच रखा है? जी, हमने उस पर काम कर रहे हैं, हमारी वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का व्यू आज फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। अच्छा। इन बच्चों को भी चेकअप होता है प्रॉपर अदारे अच्छा। के अंदर, अच्छा इदारों के अंदर, इदारों के अंदर ये कैंप लगाते हैं, और फिर इस्लामाबाद का जो हमारा इलाका है जहाँ पे मेडिकल की सहूलियात नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर हमारी टीम जाती है। अच्छा। हमारी डॉक्टर्स की टीम, ख़ास करके हमारे डॉक्टर्स डॉक्टर आसफ़ बख्तियार राणा साहब, अच्छा। डॉक्टर करम साहब, डॉक्टर काशिफ साहब, और लेडी डॉक्टर शबनम नाज साहबा, और ज़बरदस्त किस्म की एक टीम। अच्छा, ये जो डॉक्टर हैं ये ऑलरेडी कोई एलाइड हॉस्पिटल्स में कहीं काम कर रहे हैं? हॉस्पिटल में। अच्छा। लेकिन जब भी मैं कैंप लगाता हूँ तो मैं इनको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ जाते हैं, मुझे सिर्फ मेडिसिन खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है और उससे 100-150 लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा। और एक कोशिश करते हैं तो
लोगों को, लोग आगे बैठे होते हैं, 100-100, 200-200 बंदा बैठा होता है कि वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के डॉक्टर आ रहे हैं, टीम आ रही है, वहाँ से हम मेडिसिन लेंगे। अच्छा अच्छा, इसके लिए ये हो सकता है, ये करते हों कि जी आज हमारा कृपा का जो कैंपस है उसमें हमने इसी तरह उसके बच्चों का ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर किसी दिन दूसरी जगह का, इसी तरह। तो एक जो कैंपस है उसमें कितने बच्चे, मिसाल के तौर पे चारों जो कैंपस हैं उसमें कितने कितने बच्चों का वो कैंपस है, कोई इस तरह का नजर? सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं हमारे पंजग्राम में रोड पे है। अच्छा, इस पर हमारे तकरीबन 700 से ऊपर बच्चे हैं। अच्छा, और दूसरे जो कैंपस हैं हमारे उनमें 150-200 इस तरह बच्चे हैं। अच्छा, और ये कैंपस क्योंकि इस कैंपस को 3-4 यूसियाँ अटैच हो जाती हैं। अच्छा, खन्नापुर से लेकर चरा चौक तक ये इलाका इसके साथ लग जाता है और मेन रोड के ऊपर है। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस कैंपस में है, पंजग्राम में। इन इदारों के या इन कैंपस का जो नाम है उस वो बोर्ड या वो चीज़ वो क्या लिखी हुई है? जी जी, वो इस तरह लिखी हुई है कि ये पंजग्राम कैंपस कोई एकरा पब्लिक स्कूल हो गया, या ये वीओएच स्कूल सिस्टम, वीओएच स्कूल सिस्टम चिराग कैंपस। अच्छा, वीओएच स्कूल सिस्टम कृपा कैंपस। अच्छा, वीओएच स्कूल सिस्टम पिंड मिस्त्रिया कैंपस। ये ऐसे लगता है जैसे यूएनओ का कोई इदारा है और यूएनओ के इदारे के तरफ से कोई चीज़ वो बन रही है। इसमें आप लोगों को अल्लाह पाक बहुत बरकत दे। मिलते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मुलाकात, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान एक ऐसे साहब हैं जो ऐसी चीज़ जो तालीम, सेहत और सेहत के साथ साथ बच्चों के वेलविशर भी हैं और उनके लिए तालीम जैसी नेमत से उन्हें मालामाल कर रहे हैं। राय साहब, कायदे तो मोहम्मद अली जना ने फरमाया था कि मुझे बच्चे बीमार नहीं चाहिए, मेरे मुल्क का बच्चा सेहतमंद चाहिए। और सेहतमंद बच्चा दो चीज़ों से होता है, उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ चाहिए, उसको सेहत चाहिए और उसको खेल चाहिए। खेलों के हवाले से बच्चों के साथ क्या सलूक है? जी बिल्कुल, हमने प्रॉपर एक ग्राउंड बनाया हुआ है जो मेरा ऑफिस है इस्लामाबाद में, जो जहाँ पे मैं बैठता हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस है जंग सईदा में, उसके बैक साइड पर प्रॉपर 8 कनाल का ग्राउंड बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चों की गेमें होती हैं, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। प्रॉपर मेरी गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी स्कूल वाली वो लेके जाती हैं वहाँ पे। अच्छा, और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे बच्चे खेलते हैं। और ख़ास करके हमने पाकिस्तान टीम में भी रहे हैं, कदीर नाम है उनका, राजा कदीर। अच्छा, उनको जो है ना हमने अपना स्पोर्ट्स डायरेक्टर बनाया हुआ है, राजा कदीर साहब को। कदीर हॉकी ग्राउंड भी है सुल्ताना फाउंडेशन के पास, और बकायदा मुख्तलिफ टीमें हमारे पास, क्योंकि हॉकी कौमी खेल है उसके भी टीम मौजूद है। फुटबॉल की खास करके ज़बरदस्त टीम है हमारे पास, जो रिसेंटली बनीगाला में एक टूर्नामेंट हुआ था। अच्छा, तो अवैस लड़का है और इब्रार कोच। बनीगाला में तो क्रिकेट होना चाहिए थी, आप वहाँ पे वो जाके फुटबॉल करा रहे हैं। तो वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का इवेंट हुआ था और वीओएस की जो टीम थी वो विनिंग टीम थी वहाँ से। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इनडोर गेम हैं, बच्चों के क्विज़ प्रोग्राम, बच्चों के तकरीरी मुकाबले, बच्चों में ड्रामेटिक सोसाइटीज़, क्योंकि हर बच्चे में खुदा ने अलग अलग खसूसियत, खासियत और अहलियत रखी है। क्या उस तरफ का क्या वो? जी, उस तरफ भी माशाल्लाह ज़बरदस्त बच्चों को तैयार करते हैं हमारे टीचर्स, मुकाबले होते रहते हैं इस तरह के। और ख़ास करके स्पीच मेरे बच्चे ज़बरदस्त किस्म के करते हैं, और ख़ास करके जब हमारा एनुअल सेमिनार होता है, ठीक है, तो लोग देखने जाते हैं और हमसे पूछते रहते हैं कि वीओएस का कब एनुअल सेमिनार है। अच्छा, तो बड़ी गैदरिंग होती है और मेरे बच्चे जब स्टेज तो पे आते हैं, बड़ा खाना होता है तो आपकी बड़ी गैदरिंग होती है, तो ज़बरदस्त किस्म की वो खुद उनको देखने आते हैं, टैलेंट देखने आते हैं, और बच्चों की बातें, उनका अंदाज, और बड़े लोग खुश होते हैं। राय साहब,
इसी तरह जैसे हम तालीम और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो साथ ही आपका सियासी जो ताल्लुक बनता है और सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो आपकी है और आप इस्लामाबाद रीजन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वहाँ पे आप मिनिस्टर एजुकेशन या मिनिस्ट्री एजुकेशन को इन्वॉल्व करके अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं या क्या कुछ कर सकते हैं? असल में वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का जो अदारा है ये गैर सियासी है, पहली बात। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, हमने कभी भी उनकी तरफ नहीं देखा है। इससे पहले भी गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट भी है, आज तक हमने कभी अप्रोच नहीं की उनको कि हमारी कोई हेल्प की जाए। ठीक है। क्योंकि एक हमने एक अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, अपना एक बजट बनाया हुआ है, उस बजट के तहत हम चल रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है, जिस तरह उनकी सोच है, हमारी तरफ भी नज़रसानी ज़रूर होगी। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के कैंपस में इजाफा होगा और पीटीआई के दौर में ज़रूर हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर इन बच्चों को मिलेगा। क्योंकि जब मैं देखता हूँ त्रामड़ी में अपना गाह बनी है, जो प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं वहाँ पे गाह, और मजदूर लोग, गरीब लोग और इस तरह के लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे खाना भी मिलता है, उनके लिए रिहाइश भी है। तो मैं सैफुल्ला नियाज़ी साहब और फरीदुर्रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ हो। अच्छा, अभी जो आपने बात की ना कि गवर्नमेंट जो भी हुकूमत होती है, हम हुकूमती लोगों से डिमांडिंग नहीं है, मैं फ़ंड की बात तो चलें वो तो और चीज़ है, मेरा ख्याल है बच्चों के लिए किसी इस तरह के अहदेदारों का, इस तरह के मिनिस्टर्स का, इस तरह के शख्सियात का आना मॉरली उनको बहुत सपोर्ट देता है। वो जो एक इस तरह की चीज़ें हैं वो भी तो आपके बेनिफिट में जाएंगी। अब सियासी इसको रंग ना भी दिया जाए तो बच्चों की जो है ना एक अप्रोच होती है उसमें ये बिल्डअप होता है कि जी हमारे जगह से, हमारे यहाँ पर हमने किसी बड़ी पर्सनैलिटी को मिले हैं। उस मैं उस हवाले से बात कर रहा था, मैं नथिंग, मतलब मेरे जहन में ये बिल्कुल नहीं था कि आप उनसे फ़ंड की डिमांड करें या ये। तो इदारों को या हुकूमती इदारों को ख़ुद चाहिए कि वो देखें कहाँ पे उनको काम नज़र आता है, जहाँ पे परफॉर्मेंस नज़र आती है वो ख़ुद ओब्लाइज करें। आप क्या कहते हैं? मैं यकीन करें कि मैं हमेशा अपील करता हूँ इस हवाले से कि इस कैंपस की तादाद हम बढ़ाएँ, हम मज़ीद VOH के कैंपस बनाएँ। लेकिन जो हमारे मदूद वसायल हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, और ख़ास करके यकीन करें कि आज का जो माशरा है ना बिल्कुल बेहसी का शिकार है। हम सबको भी कुछ ना कुछ रोल अदा करना चाहिए, जितने भी लोग हैं जो जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ दे सकते हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। और मैं अगले दिन का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक होटल से गुजर रहा था जी, तो एक बच्चा छोटा और उसकी माँ दोनों होटल के ऊपर खड़े और रो रहे हैं दोनों। मैंने गाड़ी रोक ली क्योंकि मुझे थोड़ा सा दर्द होता है और तकलीफ़ होती है जब मैं कोई इस तरह का बच्चा देखूं, किसी होटल पे काम कर रहा हो, कूड़ा उठा रहा हो, तो मुझे बड़ी टेंशन सी हो जाती है। मैं गाड़ी से उतरा और मैंने पूछा, बेटा क्या बात है? तो उसने कहा है कि जी मैं इस होटल पर काम करता हूँ, मेरे अबू फौत हो गए और मुझे 100 रुपया या देते हैं और रात तक मुझे रखते हैं और साथ मारते भी हैं। तो उसकी माँ को मैंने कहा कि आप इसको यहाँ से, उसने बोला जी हम घर में खाएंगे क्या, मैंने तो घरों में काम करती हूँ और बड़ी मुश्किल में हूँ, किराए पे रह रही हूँ, तो उस बच्चे को मैं साथ ले आया हूँ, मेरे पास वो रह भी रहा है और माशाल्लाह ज़बरदस्त पढ़ रहा है, और उसके घर का जो मामला है वो भी मैंने उठा लिए हैं, उसको जो राशन पानी है वो भी बचा देते हैं। तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अगर हम सब थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से का काम करें, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखें, अपनी गली मोहल्ले को देखें, तो यकीन करें कि वो इंसानियत का वो जो दर्द है ना हर बंदे में आ जाए ना, तो वो जो गरीब हैं, इस तरह के यतीम बच्चे हैं, हर बंदा अगर आवाज़ उठाए तो सपोर्ट करे, मदद करे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है तो हम ना कर सकें। देखें, एक अगले दिन मैं एक बंदे से कह रहा हूँ कि यार आप भी कुछ मदद किया करें, तो वो मुझे कहता है कि राजा साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किस तरह करूँ, मैं तो अपना मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप ये देखें कि एक बच्चा यतीम है, उसके शूज़ फटे हुए हैं, तुम्हारे बेटे के पुराने शूज़ हैं, तुम पुराने उसको दे दो और अपने बच्चे के लिए नए ले लो, और तुम्हारा ये भी तो एक हिस्सा पड़ जाता है। ऐसी माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जब हमारा दिमाग में ये चीज़ आएगी कि वो जो यतीम बच्चा है, वो जो गरीब बच्चा है, वो भी मेरा बच्चा है, जब ये एहसास हम सब लोगों के अंदर आ जाएगा तो वो ज़िंदगी का वो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा और किसी की मदद भी हो जाएगी। वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी सिर्फ इसीलिए बनाई गई है, मैंने तंजीम इसीलिए बनाई है। मैं हमेशा लोगों को अवेयरनेस की देता हूँ कि भाई आंख बंद हो जाएगी तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे ही रह जाएंगे, जब तक आंख खुली है अपने हिस्से का काम कर लें, हर बंदा
हर बंदा अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करे तो यकीन करें कि कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं एक बार एक बच्चे से पूछा कि मैं पूछता रहता हूँ लोगों से थोड़ा बहुत, मैं क्योंकि इस पर काम कर रहा हूँ। सही है, बिल्कुल पूछना चाहिए। अच्छा, पूछने से ये होता है कि वो जो इंटरनल प्रॉब्लम है ना वो आप तक सही पहुँच जाती है, अच्छी बुरी सारी बात पहुँच जाती है। तो बच्चे से पूछा कि आपने गोश्त कब खाया था? अच्छा, ऐसे मुझे घर से फ़ोन की गोश्त ले आइएगा। तो अच्छा, मैंने छोटे से बच्चे से पूछा कि आपने गोश्त कब खाया, तो बच्चा मुझे कहने लगा ईद पर। अच्छा, तो यकीन जाने इतना तकलीफ हुई है कि यार हम किस किस दौर में हैं, हम कितनी किस बेहसी के दौर में हैं हम लोग सारे। क्या हम अपने घर अपने बच्चों के लिए रोज गोश्त लेके जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लेके जाते हैं, तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि यार इस गली में ये बंदा पता नहीं रात को इन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो मैं हमेशा और आपके चैनल हक न्यूज़ की तरफ से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरह अपनी गली मोहल्ले को देखें। जब हर बंदा अपनी गली मोहल्ले को देखेगा तो यकीन करें कि अल्लाह पाक की ज़ात राज़ी हो जाएगी। जब अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आएगी। मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने वॉइस ऑफ कम्युनिटी का जब प्लेटफॉर्म रखा कमरान साहब को और मैंने रखा, तो यकीन जाने मैंने सोचा कि यार इनके लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करेगा। और जब वो सिस्टम लेके चलें तो आज पोजीशन ये है कि हमारे वसाइल भी ज़्यादा हो गए हैं, हमारे कारोबार में भी इजाफा हुआ है, हमारे रिजक में भी इजाफा हुआ है। उसके पीछे सिर्फ यही एक लाजक थी कि हम यतीमों के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए दिल के अंदर हमदर्दी है। और जो हमारा इलाका है, जिस तरह गाँव के लोग होते हैं, जिस तरह देहातों के अंदर कोई पसमंदगी की जिंदगी गुजार रहा है तो वो गुजारता ही रहता है, कोई भी तवज्जो नहीं देता है। तो एक कोशिश की है, मेरी टीम ने कोशिश की है, तो हमने खास करके जो नौजवानों की एक तंजीम है मेरी यूथ विंग, वॉइस ऑफ यमंडी यूथ विंग। अच्छा, यूथ विंग। अच्छा, इसमें अलग अलग और तंजीमें जी जी इसमें मैंने मुख्तलिफ शाखें हैं, वो कौन कौन सी हैं? उसमें वॉइस ऑफ यमंडी यूथ विंग की तंजीम है, उसको मैंने एक्टिव किया है कि जो नौजवान मनफी सरगर्मियों की तरफ जाते थे वो नौजवानों को एक अच्छी गाइडलाइन देते हैं। अच्छा, एक अच्छी थ्रेड पे लेके आए हैं, गेमों की तरफ वो गेमें खेलते हैं और उनके अंदर एक एहसास और एक दर्द हमने डाल दिया है। अच्छा, वो जो बच्चे हैं हमारे आज जवान हो रहे हैं, जो स्पीड में आगे पीछे घूमते हैं बैठते हैं, यकीन जाने जब उनको कन्विंस करते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि भाई आप लोग किसी का दर्द रखें, किसी की मदद करें, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे पास वो बच्चे लेके आते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि राजा साहब हमने ये बच्चे देखे हैं हमारी गली में। अच्छा, ये तलीम हासिल नहीं कर रहे हैं, ये यतीम है, इनके लिए कुछ करें। अच्छा, इसके अलावा और वुमेन को कोई विंग या किसी और? जी, वुमेन का प्लानिंग है अभी हम वोकेशनल सेंटर जो है ना बनाने जा रहे हैं। अच्छा, दो वोकेशनल सेंटर बनाने जा रहे हैं, एक UC-19 तरलाई में और एक UC-20 अलीपुर में। अच्छा, उसमें ये होगा कि जो बेवा हैं उनके लिए वहाँ पे एक सेंटर बनेगा, बन वो सीखें अपनी जिंदगी का कुछ बनाएं, तो उस पर भी काम जारी है। बहुत जल्द वोकेशनल सेंटर की ओपनिंग होगी। अच्छा, और हम करेंगे जब तक हमारा सांस है हम करेंगे। अच्छा राय साहब, ये सारी बातें जो जितनी अभी तक हमने की हैं इनकी ओपनिंग 10 साल पहले जब शुरू थी, वो कौन सा लम्हा था या वो कौन सी बात थी? कोई मोटिवेशन होती ना, यूं करके इंसान पलटता है। कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि बाय बर्थ बंदा ये सोचता हुआ जाए, कहीं पे राइट टाइम राइट प्लेस राइट मैन सामने आता है तो आदमी कोई फैसला करता है। वो कौन सा लम्हा था जब आपने ये सोच लिया कि ये करना है? वो मैं और कामरान साहब एक दफ़ा बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो हमारा एक शुरू से हमारा जो ख़ानदान है, एक तो सियासी भी है और एक सोशल वर्कर भी है। अच्छा, हम लोगों की खिदमत करते रहे, एक विरसे में आया कि हम किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें। अच्छा, तो कुछ बेवा हमारे पास आई तो कहती हैं कि जी हम तो ना बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो हमारा क्या बनेगा जी, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह के मुख्तलिफ हमारे पास जब आने लगे तो हमने सोचा यार इन यतीमों का कोई भी वारिस नहीं है। कमरान साहब और मैंने जब आपस में सलाह मशवरा किया कि यार कुछ तो हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए किस तरह हम इनको चला सकते हैं। और यकीन करें कि वो मैं बताना भूल गया कि हमारा फूड प्रोग्राम भी है, VUH फूड प्रोग्राम। अच्छा, ये जो बच्चे स्कूल में हैं इनके वालदेन को तीसरे महीने 4 माह के बाद हम आटा घी चीनी भी इनको देते हैं। अच्छा, थोड़ा उस तरह हम नहीं दे सकते। मेरी प्लानिंग है कि अल्लाह पाक कितना दे कि मैं हर माँ को इनको दूँ। अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी VUH फूड प्रोग्राम के जरिए भी हम हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो वो लम्हा था। फिर हमने सोचा, प्लान दिया कि हम किस तरह करेंगे। फिर हमने जब ये आगाज़ किया तो आज
एक लैन बनी हुई है, एक चैन बनी हुई है बच्चों की, यतीम बच्चों की। मैं कुछ एक माह पहले एक फोतगी पे जाता हूँ तो जनाजा मैंने पढ़ा, काफ़ी सारे लोग अबाब अलका अबाब के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं और मैं वहाँ मिलता रहा, थोड़ा टाइम लग गया। तो जब मैं बाहर निकला तो एक छोटा सा बच्चा आके मेरे घुटने के साथ लपट गया। मैंने यकदम देखा, मैंने कहा यार ये कौन है? तो उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं नीचे ज़मीन पर बैठ गया। तो मैंने कहा बेटा, कहता है चार माह छुट्टियां की हैं कोरोना की वजह से स्कूल नहीं गया हूं, तो मैं आपसे मिलना चाहता था। अच्छा। मैं बड़ी देर से बाहर खड़ा था और आप लोगों से मिल रहे थे, वो यतीम बच्चा था ना, तो वो जब मैंने अपने गले के साथ उसको लगाया ना, तो इतनी वो अंदर तस्कीन आई ना कि मैं तमाम दोस्तों को कहता हूँ यार एक बार ये काम करके देखो, आपको तस्कीन आएगी, आपके अंदर सुकून आएगा। और वो काफ़ी देर बच्चा मेरे साथ लपटा रहा और जितने लोग वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने कहा कि मान गए जी। मैंने कहा ये मेरी टीम तैयार हो रही है, ये कमाई है और ये मेरी कमाई है, ये असल में यही वो दौलत है नाज़रीन, ये वो दौलत है जिसका किसी लम्हे पर भी ये चोरी नहीं हो सकेगी। ये वो कमाई है जो ता हयात और हयात के बाद भी काम आएगी। यही वो लम्हे हैं, यही वो लम्हात हैं और यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को उसके बाद भी याद रखी जाती हैं। वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हों, वो कोई भी हो जिन्होंने फलाह और इस्लाह का काम किया, वो हमेशा यादगार होते हैं, वो याद रहते हैं। यहाँ पे हम इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब, आप तशरीफ़ लाए और खुदा आपको कामयाब व कामरान करे। हमें जिस दिन मौका मिला हमने आके आपके कैंपस जो है उनको देखना है, बच्चों के साथ बैठेंगे। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।